हमारे पास रशिया से इम्पोर्ट डॉग्स भी हैं, चाइना से इम्पोर्ट भी हैं और थाईलैंड इम्पोर्ट डॉग्स भी हैं। हमारी खुद की ब्रीडिंग के इंडियन चैंपियन भी हैं, मेल भी चैंपियन बने हुए हैं, फीमेल्स भी चैंपियन हैं और कलर हमारे पास सभी कलर्स हैं चाओ चाओ में, और मतलब हर एक तरह का चाओ चाओ हमारे पास मिल जाता है। हेलो गाइस, आज आपको लेकर आए हैं परम चाओ चाओ कैनल, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चाओ चाओ कैनल है। और जो ये सर हैं परम संधु, ये 2008 से चाओ चाओ की ब्रीडिंग कर रहे हैं और जो इनके डॉग्स हैं वो मल्टी कंट्री से इंपोर्टेड हैं। बहुत सारी कंट्री से इन्होंने डॉग्स को इंपोर्ट किया हुआ है और जो इनके पप्पीज़ हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनके पप्पीज़ जाते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ तक इन्होंने अपने पप्पीज़ भेजे हुए हैं। और अभी मैं आपकी बात सर्च करवाता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम परम संधु है और हमारे कैनल का नाम है परम चाओ चाओ कैनल। हम स्पेसिफिक चाओ चाओ की ही ब्रीडिंग करते हैं, 2008 से हम चाओ चाओ की ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमारे पास मल्टी कंट्री से इंपोर्ट चाओ चाओ डॉग्स भी हैं और हमारी खुद की ब्रीडिंग के इंडियन चैंपियन भी हैं, मेल भी चैंपियन बने हुए हैं, फीमेल्स भी चैंपियन हैं और कलर हमारे पास सभी कलर्स हैं चाओ चाओ में, और मतलब हर एक तरह का चाओ चाओ हमारे पास मिल जाता है। सर, आपने स्पेशली चाओ चाओ ब्रीड ही क्यों चूज़ की, इसमें आपको ऐसा क्या खास दिखा कि आपने सिर्फ चाओ चाओ की ब्रीडिंग करते हो आप? एक्चुअली पहले हम सभी ब्रीड्स रख के देख चुके हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम पहले जर्मन शेफर्ड भी थे, लैब्राडोर भी थे, ग्रेडन भी रखे हैं, फ्रेंच मैस्टर, मतलब ऑलमोस्ट सभी जेंट ब्रीड्स का, टोआई ब्रीड्स का, सभी ब्रीड्स का एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन जो चाओ चाओ है ये सभी ब्रीड से मतलब डिफरेंट है, इसका एटीट्यूड ही डिफरेंट है ब्रीड का। मतलब कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं वो बिल्कुल भी किसी को काटती नहीं है, कुछ नहीं कहती, तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब हमें ऐसा था कि डॉग गार्ड डॉग का काम भी करे, इंटेलिजेंट भी हो, फैमिली के साथ भी लॉयल हो, मतलब सभी ब्रीड्स का एक तरह का जो जो हमें क्वालिटीज चाहिए थी वो क्वालिटीज़ हमें इस ब्रीड में मिली हैं। और दूसरी बात, मतलब जैसे इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और मतलब देखने को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका फ्लफी ज़्यादा होता है देखने में। जैसे लॉयन जो है वो जंगल का राजा होता है, उसका ना तो साइज़ ज़्यादा बड़ा है ना ही वो ऐसा है कि और एनिमल्स की तरह ज़्यादा लाइक एलिफेंट की तरह ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। सेम लाइक दैट चाओ चाओ का जो एटीट्यूड है वो सभी ब्रीड से डिफरेंट है, मतलब जो इसीलिए मेरे दिल के मतलब इतनी करीब है, दिल को लगी ब्रीड। उसके बाद मतलब 2008 में चाओ चाओ स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद आज तक चाओ चाओ में ही है, इसमें ही बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए, चैंपियन भी बनाए, हर एक तरह के चाओ चाओ हमारे पास हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस आते हैं, कलर काफ़ी तरह के होते हैं, कलर भी सारे हैं इसमें। मतलब इसी ब्रीड को फिर उसके बाद हमने ऊपर तक लेके जाने का सोचा, मतलब इसी ब्रीड को आगे तक भी इसी को रखेंगे, अभी भी इसी में ही बहुत अच्छा नाम हुआ है। और जितना फ्रेंड सर्कल मतलब हमारा इसकी वजह से बना है, वैसे मुझे नहीं लगता कि और किसी ब्रीड से हमारा बनना था। अभी ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं इस वजह से, कुछ मतलब और इसमें इंटरेस्ट जागता गया। अभी मतलब हर एक तरह का चाओ चाओ हमारे पास मिल जाता है, हर एक तरह का फेस मिल जाता है, हर एक तरह का कलर मिल जाता है। सर, आपके पास कौन कौन सी कंट्रीज से इंपोर्टेड हैं डॉग्स और आपका फेमस डॉग कौन सा है जो? हमारे पास रशिया से इंपोर्ट डॉग्स भी हैं, चाइना से इंपोर्ट भी हैं और थाईलैंड इंपोर्ट डॉग्स भी हैं, और हमारी ब्रीडिंग के काफ़ी सारे डॉग्स चैंपियन भी बने हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा कुछ डॉग्स का नाम हुआ है जो मतलब जो सबके दिल के करीब थे। पहले तो किंग था, उसका काफ़ी नाम रहा है, और आज की डेट में अगर बात करें तो चैंपियन पैशन का ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा नाम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा वो फेमस है। सर, चाओ चाओ ब्रीड के अंदर कितने कलर्स आते हैं और क्या कलर वाइज इनके प्राइस में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, चाओ चाओ में कलर वाइज प्राइस का डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। और कलर इसमें जो मेन कलर हैं वो 5-6 कलर हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड आ जाते हैं। और मतलब जैसे फेमस कलर सबसे ज़्यादा है जो वो वाइट कलर है, जे आप देख रहे हो डॉग जो जे क्रीम कलर का है, जे पपी आप जो देख रहे हो जे ब्लू कलर का है, ब्लू भी आता है और लिटिल बिट डिफरेंस होता है, ग्रे कलर में भी आता है। राइट साइड आप देख रहे हो वो ब्लैक कलर का पपी है और ऑरेंज कलर में भी आता है, ऑरेंज कलर में 2-3 शेड आ जाते हैं, जैसे डार्क ऑरेंज हो गया, लाइट ऑरेंज हो गया, ब्लैक मास्क हो गया, चॉकलेट कलर में भी आता है। सर, जो ये चाओ चाओ ब्रीड है इतनी एक्सपेंसिव ब्रीड है, तो क्या इसकी केयर में भी कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं? जैसे लोग कहते हैं कि बिना एसी के नहीं रह सकता, इसको गर्मी में दिक्कत आती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आपके पास तो काफ़ी सारे डॉग्स हैं।
मतलब केयर तो देखिए हर एक डॉग की करनी पड़ती है, इतनी कोई ज़्यादा केयर नहीं है, नॉर्मल केयर है, जैसे और डॉग ब्रीड्स की है केयर नॉर्मल है, उतना कोई ज़्यादा नहीं, बस हेयर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और एसी का भी कोई इतना ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे एसी चलता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉग ब्रीड ऐसी होगी जो 24 घंटे ही एसी में रहेगी। जिस जहाँ पर कह लो भी ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पर चाओ चाओ सर्वाइव आराम से कर जाती है। मतलब 24 घंटे एसी का कोई इशू नहीं है, और ऐसा नहीं कि एसी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती, जहाँ पर हम रह सकते हैं वहाँ पर चाओ चाओ रह सकता है। सर, जो ये चाओ चाओ डॉग ब्रीड है, ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए सही है जो पहली बार डॉग रख रहा है, क्या उसके पास ये डॉग रह सकता है आसानी से? मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंट ब्रीड है बहुत ज़्यादा, इसको जो भी ओनर सिखाएगा, जैसे भी इसको कमांड देगा, प्रॉपर वैसे ही ये एप्लीकेबल करेगा उसको। तो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए समटाइम होता है लोगों को डाउट कि सही है या नहीं है, सही है, कोई इशू नहीं है फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए। सर, जो चाओ चाओ ब्रीड है, ये बच्चों के साथ और फैमिली में कैसे तरीके से रहती है, किसी को काटती है या फिर नॉर्मल डॉग्स की तरह फ्रेंडली डॉग है या फिर अग्रेसिव डॉग है? चाओ चाओ ब्रीड जो है ये बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है, बच्चों के साथ पूरी तरह फ्रेंडली है, क्योंकि इसको पता है मेरा फैमिली मेंबर कौन है, कौन बाहर वाला है, बच्चों की पूरी कमांड मानती है, मतलब क्योंकि फैमिली मेंबर बन के ही रहता है, और बच्चों को इसको पता है कि मेरे फैमिली मेंबर कितने हैं कौन है, तो बच्चों के साथ भी फ्रेंडली है, बच्चों के साथ भी ठीक है, और अगर कोई बुजुर्ग हैं घर पे तो उनके साथ भी पूरी इसको पता है कि हाँ मेरा ओनर है, बच्चों का भी पता है इसको भी मेरा ओनर है, और इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि किसी को भी काट लेगा एकदम, मतलब कोई बाहर से भी अननोन बंदा है तो ऐसा नहीं उसको काट लेगा, गार्ड डॉग का काम करेगा, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि उसको डायरेक्ट काटेगा भी नहीं, इंटेलिजेंट ब्रीड है। टेम्परामेंट जो है इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एग्रेशन दिखाएगा लेकिन एक लिमिट तक दिखाएगा वो, और दूसरा इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंट तो इतनी ज़्यादा है कि इसके एक महीने के पपी को इतनी सेंस होती है कि उसने मतलब बाथरूम या पोटी अंदर नहीं करनी, उसने कुछ भी करना होता है तो वो बाहर ही करता है। हमारे कैनल में जब हमारे पपीस मतलब एक महीने के हो जाते हैं तो उसके बाद वो अंदर बाथरूम तक नहीं करते, क्योंकि मतलब इंटेलिजेंट ब्रीड है। और दूसरी बात जो हमने देखी है, मतलब जो इंटेलिजेंट है या कुछ भी गुण है इनके, वो मदर फादर से ही आते हैं, जैसा हमारे ये बड़े डॉग्स होते हैं, जितने बड़े डॉग्स में क्वालिटीज़ हैं पपीज़ में भी सेम वैसी आएंगी, उनसे एक एक आधे गुण जो है निखर के ही आते हैं, मतलब जैसे वो कहना मानते हैं, जैसे वो कमांड फॉलो करते हैं, सेम वैसे ही पपीज़ में वो गुण आगे चल के आते हैं। अब हम सर से चाओ चाओ की थोड़ी डाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहती है। जो चाओ चाओ ब्रीड है इसको डाइट को लेके मतलब हमें बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी लोग मैसेज करते हैं कि इसको क्या डाइट देनी चाहिए। मतलब जो चाओ चाओ ब्रीड है इसको डाइट का कोई इतना ज़्यादा डाइट नहीं होती, डाइट इसकी कम होती है। और दूसरी बात, कुछ लोगों को डाउट है कि ये सिर्फ नॉन वेज पे ही पलती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, ओनर अपने अकॉर्डिंग इसको डॉग फूड दे सकता है, आप वेज भी दे सकते हो, नॉन वेज भी दे सकते हो, डॉग फूड भी दे सकते हो। और मतलब जो मेन डाउट है लोगों को नॉन वेज का है, नॉन वेज इसके लिए कोई इतना कंपलसरी नहीं है, और क्योंकि इसके ना तो हमें कोई रिंकल बनाने होते हैं ना ही इसके कोई हमने मसल बनाने होते हैं, तो इसको इतना कोई कंपलसरी नहीं है, आप डॉग फूड दे सकते हो, मतलब डॉग फूड से भी बढ़िया पल जाएगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इसको डाइट दे सकते हो। सर, जो भी चाओ चाओ की ब्रीडिंग करना चाहते हैं लोग, थोड़ा उनको बता दीजिए कि इसकी ब्रीडिंग में क्या रहता है, कितने पपीज़ देती है ये, और कितने मंथ्स के बाद ये, ईयर के बाद ये रेडी हो जाती है ब्रीडिंग के लिए। जो चाओ चाओ ब्रीड है ये वैसे मतलब 5 पपीज़ तो कम से कम दे ही देती है, बाकी डिपेंड करता है मेल फीमेल के रिजल्ट कैसे हैं, समटाइम किसी के स्टार्टेड डॉग के रिजल्ट अच्छे नहीं होते, इस वजह से भी पपी कम होते हैं, अदरवाइज ये 5 से स्टार्ट होता है, 5, 6, 7, 8 मतलब बढ़िया रिजल्ट देती है, क्योंकि मीडियम ब्रीड है, पपीस बढ़िया देती है, बढ़िया रिजल्ट देती है पपीस के लिए। तो बाकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, पपीस की केयर है जो वो भी फीमेल खुद ही करती है, एक महीने तक मदर मिल्क लेती है, साथ में हम रॉयल कैनल स्टार्ट कर देते हैं टाइमली, केयर बहुत अच्छी करती है पपीज़ की, कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं उनकी केयर खुद करनी पड़ती है, लेकिन ये जो है ये खुद केयर करती है पपीज़ की को। मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे कैनल का जो फेसबुक पेज है परम चाओ चाओ कैनल के नाम से, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है परम चाओ चाओ कैनल के नाम से, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9330 66001,
और किसी भी तरह की चाओ चाओ से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पे आपको चाओ चाओ से रिलेटेड हमारे कैनल के ब्रीडिंग के रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।